दोस्तों आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं जर्मनी के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जर्मनी से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें जो शायद आपने ना सुनी हो। नंबर एक, जर्मनी दुनिया का एक ताकतवर देश है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में कंगाल हो जाने के बावजूद भी जबरदस्त तरक्की की। इसकी ताकत के पीछे इसके नागरिकों की देशभक्ति और मेहनत है, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं और लड़ने मरने में भी किसी से पीछे नहीं रहते। नंबर दो, जर्मनी ने इंजीनियरिंग की दिशा बदलकर रख दी और वह आज कार निर्माण से लेकर कल पुर्जों के निर्माण में अमेरिका की सहायता कर रहा है। नंबर तीन, जर्मनी न सिर्फ इंजीनियरिंग और विज्ञान में बल्कि कला, खेल, साहित्य और व्यापार में भी कई देशों से आगे है। नंबर चार, जर्मनी की राजधानी बर्लिन देश का सबसे बड़ा शहर है। बर्लिन फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना बड़ा है। नंबर पाँच, 8,20,00,000 की जनसंख्या वाला जर्मनी यूरोप का सबसे आबादी वाला देश है। तुलना के लिए बता दें कि 2011 में हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की आबादी 8,40,00,000 से ज्यादा है। नंबर छह, जर्मनी का क्षेत्रफल लगभग 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल से सिर्फ 15,000 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है। इसके बावजूद GDP में जर्मनी चौथे स्थान पर आता है और भारत 7वें पर। नंबर सात, छोटे से जर्मनी ने अपने आप को 16 राज्यों में बांटा हुआ है और इन 16 राज्यों के 493 जिले हैं। नंबर आठ, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी घट गई कि 1000 महिलाओं पर सिर्फ 350 पुरुष ही बचे थे, यानी कि 3 में से एक महिला को ही पति मिल पाता था। नंबर नौ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस की रेड आर्मी ने जर्मनी की 30 से 70 साल की लगभग 2,000,000 महिलाओं का रेप किया था। नंबर 10, जर्मनी में हर साल 5,500 ऐसे बम खोजे जाते हैं जिनका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में होना था। इन बम्बों के बरामद होने के बाद इन्हें डिफ्यूज कर दिया जाता है। नंबर 11, फेंटा कोल्ड ड्रिंक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में बनाया गया था। यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला जर्मनी के विरोधी देशों में बनाया जाता था, जहां से उसे आयात करना मुश्किल था। नंबर 12, हिटलर अपनी सेना को सम्मान देने के लिए खास तरह से सल्यूट मारता था, जिसे नाजी सल्यूट कहा जाता था। अगर वर्तमान जर्मनी में कोई नाजी सल्यूट मारता पकड़ा जाता है, भले ही मजाकिया तौर पर, तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है। नंबर 13, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के 2 हिस्से हो गए थे। राजधानी बर्लिन के बीचों बीच एक विशाल दीवार बना दी गई, जो देश के दोनों हिस्सों को अलग करती थी। पर साल 1990 में देश के दोनों हिस्सों के एक हो जाने के बाद इस दीवार को लोगों ने बड़े ही जोश के साथ गिरा दिया। नंबर 14, वर्ष 1990 से 2009 के बीच जर्मनी में 2,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा था, क्योंकि उनमें बच्चों की कमी थी। नंबर 15, जर्मनी में आप किसी बच्चे का नाम ऐसा नहीं रख सकते जिससे उसे लिंग का पता ना चले, जैसे कि मैटी या बॉबी आदि। नंबर 16, जर्मनी हर साल जितना पैसा अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, अमेरिका के लोग उससे ज्यादा अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर देते हैं। नंबर 17, साल 2014 में जर्मनी के सभी कॉलेजों के छात्रों की फीस माफ कर दी गई, यहाँ तक कि दूसरे देश के छात्रों की फीस भी। नंबर 18, अगर जर्मनी में कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे इसकी कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि इस देश का मानना है कि हर मनुष्य सहज ही आजाद होना चाहता है। नंबर 19, जर्मनी में पहली मैगजीन आज से 356 साल पहले सन 1663 में प्रकाशित हुई थी। नंबर 20, जर्मनी में जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो वह हेलो की बजाय अपना नाम बताकर बातचीत शुरू करता है। नंबर 21, जर्मनी के 70% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन इन हाईवे पर अगर आपका ईंधन खत्म हो जाता है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। नंबर 22, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बिल्कुल कंगाल हो चुका था। जर्मनी पर इतना कर्ज हो चुका था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर है। नंबर 23, जर्मनी में किसी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करना बैड लक की निशानी माना जाता है। नंबर 24, जर्मनी की सेना अपने अधिकारियों की आज्ञा मानने से इनकार कर सकती है अगर उसे लगता है कि उसे सौंपा गया काम इंसानियत के खिलाफ है। नंबर 25, BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे मशहूर कार कंपनी है, यह सभी कंपनियां जर्मनी की हैं। नंबर 26, YouTube के 1000 सबसे पॉपुलर वीडियोस में से 61% को जर्मनी में ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक की गई सभी वीडियोस गानों की हैं। इसके पीछे जर्मनी की संस्था जेमा का तर्क है कि
उनके देश में उस कंटेंट को दिखाने की अनुमति नहीं है जिसकी रॉयल्टी उसके राइटर को ना मिले। इसका सीधा मतलब यह है कि गाने के लेखक को कंटेंट से होने वाली लगातार कमाई में से हिस्सा मिलता रहना चाहिए। तो दोस्तों, जर्मनी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।